समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। योगी राज में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं, जिसका नज़ारा प्रेमनगर क्षेत्र में देखने को मिला। दबंगों द्वारा खुलेआम एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट करने तथा विरोध करने पर दुकान का संचालन करने वाली महिला को बीच सड़क पर घसीटकर बुरी तरह से पीटे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि घटना के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाज़ा खटखटाया। आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में रहने वाली सोनम शाख ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह अपने घर पर परचूनी की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करती है। कल रात उसकी पुत्री दुकान पर बैठी थी, तभी मोहल्ले में रहने वाले कुछ दबंग आए और दुकान से सिगरेट ली। पैसे मांगने पर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट की। सोनम के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे दुकान से घसीटकर सड़क पर पटक कर बुरी तरह से पीटा। घटना की सूचना उसने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने मामूली घटना बताकर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र में उसने मारपीट का वीडियो भी प्रमाण पत्र के रूप में बताते हुए दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। झांसी से मनीषली की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनम साकिया है, मैं कृष्णा नगर कालोटी की रहने वाली हूँ और मेरे साथ मेरी एक छोटी सी दुकान है, ये मेरी बच्ची है जिसमें हम लोग परचूनी की दुकान चलाते हैं। पड़ोस में रहने वाले शिवा और गौरव शर्मा दोनों भाई आए उस सिगरेट लेने के बहाने से, जिन्होंने हमारी बच्ची ने सिगरेट दे दी और पैसे मांगे तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, बच्ची को गाली गलौज करने लगा, बच्ची से कहने लगा नहीं देना और हमारी दुकान का सामान फैला दिया, चार पाँच लड़कों को और बुला लिया तो बच्ची को धमकाने लगा, बच्ची जोर से चिल्लाई माँ माँ, तो मैं दौड़ के आई तो जैसे मुझे मारा पीटा और सब, फिर दीपक शर्मा भी आके और सुभाष ने भी मुझे बहुत मारा रोड पर खचोड़ के और मेरा गला फांस दिया। आपने थाना प्रेमनगर शिकायत की? थाना प्रेमनगर में मेरी बच्ची गई, मैं तो बेहोश हो चुकी थी तो बच्ची ने 112 भी डायल किया, थाने गई, कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने कहा अपनी माँ को ले जाओ और उसका इलाज करवाओ। इसके बाद हम लोग का लाए लौट कर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहते हैं छोटा मोटा केस है इसमें क्या करेंगे हम। अभी आप क्या किसको प्रार्थना पत्र दिया? अभी हमने SSP प्रार्थना पत्र दिया है और हम आए हैं इधर पे। उन्होंने क्या कहा आपको SSP? उन्होंने SSP ने कहा है कि आप जाओ थाना प्रेमनगर, आपकी सुनवाई होगी। उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं किया? उन्होंने फ़ोन कर दिया है और कार्रवाई हमारी शुरू है।